हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विनीता ट्रेडिशनल फूड चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। बैंगन भरता बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक बैंगन ले लिया है और मैंने एक ग्रीन चिली ली है, कुछ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ जिन्हें मैंने छील लिया है, और 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज जिनका छिलका उतार दिया, और ये कुछ हरा धनिया मैंने ले लिया है। फ्रेंड्स, बैंगन भरता के लिए अब हम क्या करेंगे, बैंगन को सबसे पहले भून लेंगे। तो उस भूनने से पहले हमें इस क्या करना है, इसमें एक कट लगा के बैंगन को चेक कर लेना कि हमारा बैंगन ठीक है ना, कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है ना, इसलिए देखने के लिए मैंने इसमें कट लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसे भूनने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और बैंगन हम भूनने के लिए रख देते हैं। कुछ 5 मिनट लगेंगे इस बैंगन को भूनने में फ्रेंड्स। तो बस ऐसे हमें इसे पलटते हुए एक दो बार इसे भूनने के लिए रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन हमारा भून रहा है, बस हमें इसे पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से भून जाए। फ्रेंड्स, बैंगन हमारा भून रहा है, तब तक हमें ये प्याज और टमाटर हमने लिया था ना, ये सब छोटा छोटा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैंगन हमारा भून गया है और ऊपर से पूरी इसकी जो परत थी क्रैक हो गई है। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने के बाद हम छील लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैं 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, जीरा भुनने के बाद में मैंने इसमें लहसुन कट करके जो रखा था ना, उसे ऐड कर दिया और वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो प्याज हमने कट करके रखा था उसे ऐड कर देते हैं। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारा भून रहा है, तब तक हम बैंगन को छील लेते हैं। फ्रेंड्स, बैंगन भी अब ठंडा हो गया है, ये देखिए, तो हम इसे छील लेते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से छिल जाता है फ्रेंड्स, बस ठंडा होने का वेट करना पड़ता है हमें इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैंगन छील लिया है और इधर हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमने जो ग्रीन चिली एक ली थी ना, उसे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, उसे ऐड कर दिया इसमें। साथ ही साथ जो टमाटर हमने लिया था उसे भी मैंने काट लिया था। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। फ्रेंड्स, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, सभी चीज़ें देखो अच्छे से भून रही हैं। अभी हम मैं क्या करूँगी, इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने नमक ले लिया है और 1/4 चम्मच मैं हल्दी ऐड कर दूंगी, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे मसालों को। एक 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर फ्रेंड्स, 1 हमने ग्रीन चिली भी इसमें डाली है। तो आप अपने स्वाद अनुसार जैसा तीखा खाना पसंद करें उस हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हैं। सभी को अच्छे से भून लेंगे मसालों को। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी हमारे भून गए हैं और टमाटर भी, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है एकदम। अब हमें क्या करना है, ये जो बैंगन लिया था हमें उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बैंगन को हम इस तरह से चम्मच से क्रश कर देंगे ताकि सारी टमाटर, मसाले सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए इसमें इस तरह से। इसे देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, बैंगन भरता फ्रेंड्स बहुत ही झटपट बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है।
बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए बैंगन हमारा सभी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी फ्रेंड्स क्या करना है कि ऐसे हम 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी। देखिए 5 मिनट के लिए सिर्फ। फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं भरता। देखिए भरता हमारा तैयार है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स भरता हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स भरते को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और फ्रेंड्स भरता हमारा बिल्कुल अब तैयार है खाने के लिए। बहुत ही इजी है इसे बनाना, आपने देखा ही है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।